सिंगरौली में एनसीएल गोरवी बी में विस्थापितों की समस्याओं को लेकर जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका हल निकालने का आश्वासन दिया। सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने विस्थापितों की समस्या को लेकर कहा कि लोगों की समस्या का हल कानूनी तरीके से नियमानुसार निकाला जाएगा। जन सुनवाई में एनसीएल गोरवी बी से 8 गाँवों के विस्थापित ग्रामीण पहुंचे थे। गोरवी जीएम हरीश दुहन ने बताया कि विस्थापितों को पात्रता के अनुसार नौकरी दी जा रही है। कंपनी में भी प्रशिक्षण दिलवाकर नौकरी पर रखा जा रहा है। इनकी जो भी समस्याएं हैं उनका हल निकाला जाएगा। उधर इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राम अशोक शर्मा ने कहा कि वर्षों से यह सुनवाई चल रही है, मामले को उलझा दिया गया है। यदि विस्थापितों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता रानी अग्रवाल ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, इसको जल्द सुलझाना चाहिए। हम लोगों के जो ब्लॉक भी परियोजना विस्थापित हैं वो 8 गांव से अफेक्टेड हैं। हम लोगों का जितना भी वहां पे पॉसिबल है, एनसीएल में जिनकी पात्रता है उनको एनसीएल में जॉब दिया जा रहा है, जॉब दिया गया है। जो भी इश्यूज बचे हुए हैं उसको भी हम लोग त्वरित गति से निराकरण कर रहे हैं। जहाँ तक प्रभावित हैं या विस्थापित हैं जिन लोगों का 8 गांव के अलावा जो एनसीएल में पात्र नहीं है, उन लोगों को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे आउटसोर्सिंग एजेंसी हैं या और भी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क हैं उनमें उनको एकोमोडेट किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वहाँ नीलकंठ कंपनी है और वहाँ के आलोक चंद्रा जी हैं, लेकिन जो ये वहाँ के 7 गाँव के जो विस्थापित हैं कि उनके वहाँ की उनको रखा जाएगा, लेकिन आज भी उन विस्थापितों को उनको रखा नहीं गया है। जो प्रभावित हैं वहाँ के विस्थापित हैं जिनका घर गिराया गया है, समस्त गोरवी बी के विस्थापितों को भ्रमित करने की एक जालसाजी है। उनके समस्या का निवारण नहीं है, ये समस्या को उलझाने के लिए एक समस्या का नया स्वरूप दिया जा रहा है। 1992 से लेकर के आज तक विस्थापित होते गए लोग, मैं आपको एक नोटिस दिखाना चाहूँगा कि इस आदमी की जमीन 92 में फंसी, 2006 में फंसी, दो बार फंस रही है। ये देखिए, ये दो बार जमीनें फंसी इसकी और दोनों बार मिलाकर के 1.5 एकड़ जमीन, 1.5 एकड़ के बजाय, जबकि इनका नाम से है कि 50 जिसमें से ऊपर जिसकी जमीन होगी उसे नौकरी में रखा जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।